Today we are going with the seventh tale of the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer, that is the Friar's Tale. As I told you earlier, Friar is the person, means a person of Catholic Church, जो पहले English time में English England में जो Friars होते थे वो रोमन कैथोलिक जो चर्च होते थे उनके अंदर रहते थे, और उनका जो मेन मतलब उनका जो लुक होता था वो काफ़ी ऐसा था कि वो सिर्फ मांग के खाना, बहुत पोवर्टी की लाइफ को जीना और गरीबों की हेल्प करना, जो उनसे मतलब दान दक्षिणा जो भी उनको मिलता था, जो भी वो बैगिंग करते थे वो दूसरों में बांटना, गरीबों में बांटना, बस खुद का काम चले, बस इतना खुद के लिए यूज़ करना, बाकी सबकी हेल्प करना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो कैंटरबरी टेल्स में जो फ्रायर है वो ऐसा नहीं है, वो मतलब जस्ट ऑपोजिट है। वो काफ़ी मतलब औरतों को शेड्यूज़ करता है, गर्ल्स को, और इस तरीके का पर्सन है। काफ़ी हाई फाई लाइफ पसंद करता है, मतलब कहीं ना कहीं मतलब वेल्दी लाइफ अच्छी लगती है उसे। सो उसी के बारे में बात करेंगे हम। जो फ्रायर है वो टेल, जैसा कि मैंने बताया था, वाइफ ऑफ बाथ के टाइम पे, इससे पहले के वीडियोस फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हो। एंड प्लीज़ 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 फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल। सो यहाँ पे जो फ्रायर जो टेल कहेगा, जैसा कि मैंने वाइफ ऑफ बाथ में बताया था, वो समनर पे होगी, क्योंकि इनकी लड़ाई वाइफ ऑफ बाथ के टाइम पे ही हो गई थी कि फ्रायर और समनर के बीच में। और फ्रायर ने डिसाइड किया था कि मैं समनर के बारे में मतलब एक फ़नी सी टेल बताऊंगा, तो समनर ने भी कहा था कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं साइलेंट रहूँगा, लेकिन मैं भी तुम्हें एज ए रिवेंज तुम्हारे बारे में एक स्टोरी कहूँगा फ्रायर्स के बारे में, जिसमें फ्रायर्स की इंसल्ट होगी, मतलब फ़नी सी टेल बोलूँगा। सो जो फ्रायर है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो वो जो ह्यूबर्ट नाम का एक फ्रायर है, वो जो फ्रायर जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट नेचर है। एक सेंशुअल लाइसेंटियस मैन हु सीड्यूज यंग गर्ल्स एंड देन अरेंज देयर मैरिजेस। यहाँ पे जो ह्यूबर्ट जो फ्रायर है वो काफ़ी मतलब फिजिकली प्लेजर लेने वाला इंसान है, काफ़ी लाइसेंटियस है, मतलब व्यभिचारी टाइप का इंसान है। सीड्यूज़ करना उसको अच्छा लगता है यंग गर्ल्स को, और उसके बाद में मतलब उनकी शादी भी अरेंज करवाता है खुद ही, ताकि मतलब दूसरों की नज़रों में बहुत महान भी बना रहे, और कुछ गलत करता है वो तो उनसे भी वो बचा रहे। वो सिर्फ मनी से प्यार करता है, पैसा चाहिए उसको, एंड नोज द टावर्न्स बेटर देन द पुअर हाउसेज। और जैसा कि होना चाहिए एक फ्रायर के लिए, कि वो गरीबों की हेल्प करे, गरीबों के बारे में जाने, यहाँ पे उल्टा वो शराब खानों के बारे में ज़्यादा जानता है, पुअर हाउसेज के बारे में इतना नहीं जानता। रोमिंग प्रीस्ट विद नो टाइज टू ए मॉन्स्ट्री, फ्रायर्स वर अ ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म इन चॉसर्स टाइम। एज वी नो कि इस टाइम पे फ्रायर्स पे काफ़ी कुछ कहा जाता था कि जो फ्रायर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, चौसर के टाइम पे ऐसे ही होते थे। ऑलवेज रेडी टू बी फ्रेंड यंग वुमेन एंड रिच मैन हु माइट नीड हिज सर्विसेज, द फ्रायर एक्टिवली एडमिनिस्टर्स द सैक्रामेंट्स इन हिज टाउन, स्पेशली दोज ऑफ मैरिज एंड कन्फेशंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमेशा दूसरों से दोस्ती रखते थे, ऐसे लोगों से दोस्ती रखते थे जो मतलब रिच होते थे, पुअर से नहीं रखते थे। यहाँ पे ये जो फ्रायर था वो रिच लोगों से दोस्ती करना पसंद करता था, यंग वुमन से करना पसंद करता था। तो इस तरीके से वो अलग टाइप का पर्सन होता है। तो यहाँ पे जो उसका जो मेन काम क्या होता है कि ऐसे चीज़ों के लिए मतलब प्रबंध करना, जो मतलब वो ईसाई मठ में तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था मैरिजेस कन्फेशंस की, कोई कन्फेस करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे चर्च में ऐसा ही होता था, किसी से कुछ गलती हो जाती है वो कन्फेस करना चाहता है, प्रायश्चित करना चाहता है, पिनेंस करना चाहता है, तो वो उसके ऊपर चार्ज लगाता था कि तुम अपनी वेल्थ दो, ये दो, वो दो, और इस हिसाब से वो काफ़ी वेल्थ इकट्ठा करता था। ही इज़ ए मैरिड चैप हु नोज बारमेड्स बेटर देन द सिक। वो मतलब ऐसे ही उसकी बारमेड से ज़्यादा दोस्ती थी।
And however, Chaucer's worldly friar has taken to accepting bribes, वो bribes वगैरह भी लेते थे. तो इस story के अंदर भी वही है जो उसने समनर पे कही हुई है. तो ये खुद भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसने जो टेल कही है वो समनर पे कही है. और समनर के बारे में यही बताया हुआ है कि समनर का काम होता है समन करना, मीन्स इकट्ठा करना सामान को, जैसे जाते हैं कहीं पे और अगर कोई अपने प्रायश्चित के लिए दान दक्षिणा देता है तो उसको इकट्ठा करना. लेकिन ऐसी ही स्टोरी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं समनर की, लेकिन उसके अंदर काफ़ी उसका फ्रायर ने मजाक बनाया है. व्हेन द वाइफ ऑफ बाथ फिनिशेज हर स्टोरी द फ्रायर ऑफर्स हिज ओन टेल अबाउट ए समनर. हिज स्टोरी इज ए फैबुलो ऑफ ए समनर हु लूजेस हिज सोल टू द डेविल. द स्टोरी अराउजेज द डिसकम्फर्टचर ऑफ द समनर इन द ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स. यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टोरी सुना रहा है वो किसके बारे में है, एक समनर के बारे में, और समनर को अच्छा नहीं लगता. समनर की जो एट द एंड जो सोल है वो एक डेविल लेके चला जाता है. ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती समनर को, कि मतलब काफ़ी फनी स्टोरी सुनाने जा रहा है समनर के बारे में, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता. वो ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहता उसको, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि फ्रायर के लिए भी वो स्टोरी सुनाएगा. सो एन यहाँ पे एक एन आर्च डिकन, आर्च डिकन यूजेज ए क्रू ऑफ स्पाइस इंक्लूडिंग वोज टू सीक आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन द पैरिस. इस तरीके से यहाँ पे आर्च डिकन कौन होता है, एक पादरी होता है. वो बहुत सारे स्पाइसेस जासूस वगैरह रखता है, वूज मीन्स वो जो होते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में उसके पास जाना, उनके इंफॉर्मेशन रखना पीपल्स के बारे में. विद द डेरोगेटरी इंफॉर्मेशन इन हैंड द आर्कडिकन कॉल्स अपॉन द सीनर्स एंड मिसक्रिएंट्स एंड स्क्वीजेस एक्सॉर्बिटेंट ट्रिब्यूट फ्रॉम देम सो देयर नेम्स डू नॉट अपियर अमोंग दोज डूइंग एवर. अब इवल मतलब जो गलत काम करते हैं उनमें उनका नाम नहीं आए, इसलिए आग दिकन क्या करता है, उन सीनर्स को बुलाता है. ओके, मिसक्रिएंट्स को बुलाता है कि मतलब ऐसे जो बदमाश लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, उनको बुलाता है, उनसे काफ़ी धन वसूलता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शुल्क लेता है. और उसके बाद में ऐसे कहता है कि अब मतलब तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे, या फिर मतलब तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो गया है. इस तरीके से मतलब इन्होंने धन ऐंठने का एक तरीका निकाल रखा था. तो इसकी जो स्टोरी है, इस तरीके से जो समनर था वो एक्सटॉर्ट्स मनी फ्रॉम दोज ही सेंड टू समन, चार्जेस देम मोर मनी देन ही शुड फॉर फिनेंस. मतलब जो प्रायश्चित करना चाहता है वो पैसे देगा, और वो जो समनर है जिसकी यहाँ पे स्टोरी सुना रहा है फ्रायर, वो समन करने जाता है, वो सारा सामान इकट्ठा करने जाता है, जो मनी इकट्ठा करना जाता है जो लोग देते हैं एज ए फिनेंस. बाय एक्सटॉर्टिंग मनी इन दिस मैनर द समनर ग्रीव रिच. और इस तरीके से वो एक्सटॉर्ट करता है मनी, क्योंकि आर्क डिकन पे कहने पर वो एक्सटॉर्ट करता है, लेकिन वो कुछ ही पार्ट आर्क डिकन को देता है, ज़्यादा पार्ट अपने पास रखता है, और इस तरीके से वो काफ़ी रिच हो जाता है. ओके, तो इस तरीके से जब टेल स्टार्ट होती है, और टेल में एक दिन क्या होता है कि द समनर वॉज ट्रेवलिंग टू इश्यू ए समन्स टू एन ओल्ड विडो. अब उसको एक काम मिला एक ओल्ड विडो के घर जाकर, और फिर वहाँ से कलेक्ट करने हैं मनी. व्हेन ही मेट योरमैन ऑन द वे, उसको एक रस्ते में एक योरमैन मिलता है. तो समनर क्लेम टू बी ए बेलीफ knowing that his actual profession was so detested. यहाँ पे वो देखता है कि ये भी मतलब एक जो योमैन होता है वो भी एक बेकार इंसान है. वो देखता है कि मतलब हम दोनों का एक ही प्रोफेशन है, बहुत ही नफरत वाला प्रोफेशन है, हम एक्सट्रॉट करते हैं मनी दूसरों से. When their conversation reveals their mutual dishonesty, lack of conscience and love of gold, the summoner and the belief प्लेज इटर्नल ब्रदरहुड. यहाँ पे दोनों बातें करते हैं. यहाँ पे योमैन जो होता है वो भी काफ़ी इस टाइप के मतलब कपड़े पहन रखे होते हैं, ग्रीन जैकेट वगैरह, कि उस टाइम पे उनको अच्छा नहीं मानते थे, कि मतलब कोई अच्छा लुक नहीं दे रहा था, एक अच्छा पर्सन नहीं होता है वो. तो वो यहाँ पे आपस में बात करते हैं अपने अपने मतलब कंसाइज की, कि हमें क्या पसंद है, हमारा अपने जमीर के बारे में बात करते हैं. लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि वो दोनों ही डिसऑनेस्ट हैं, उनको गोल्ड के लिए लालच है, ग्रीडी हैं वो,
तो उन दोनों ने प्लेज किया कि हम दोनों का एक ही प्रोफेशन है, हम दोनों ही एक जैसे बदमाश हैं। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे प्लेज की इटर्नल ब्रदरहुड की कि हम दोनों भाई भाई हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इन सच ए वे द समनर आस्क द योमैन हाउ ही मेक मनी एट हिज जॉब एंड द योमैन एडमिट्स दैट ही लिव बाय एक्सट्रॉशन एंड थेफ्ट एंड द समनर एडमिट्स दैट ही डज द सेम। और दोनों ही ये बताते हैं जब वो योमैन से तुम पैसा कैसे कमाते हो, तो वो कहता है कि मैं एक्सट्रॉट करता हूँ मनी, और सेम यही काम समनर भी करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और रिवील करता है योमैन कि वो एक्चुअली एक डिमन है। ओके तो मतलब समनर को जब ये बात पता चलती है तो वो कुछ ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है इस चीज़ को लेके, और मतलब वो देखता है, उल्टा उससे ये पूछता है कि हेल में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें पूछना चाहता है वो उससे। तो वो कहता है कि तुम योमैन कहता है कि तुम्हारी यही हरकतें रही और इसी तरीके का ट्रेड रहा तो एकदम हम हेल में ही मिलेंगे, तब तुम देख लेना हेल में क्या होता है। ठीक है, फिर वो इस तरीके से बातें करते हुए जा रहे हैं, तो वहाँ पे रस्ते में दे कम अपॉन अ फार्मर हुज कार्ट इज स्टक इन द मड। उसकी जो कार्ट होती है फार्मर की, वो मड में स्टक हो जाती है। एंड इन एक्सएस्पिरेशन कि वो कहता है गुस्से में आकर, जो फार्मर है वो कहता है कि ये जो है ना डेविल ले जाए, ये कार्ट हॉर्स है एवरीथिंग, मतलब हम भी कह देते हैं ना कि कुछ भी चीज़ हो गलत होती है भाड़ में जाओ। तो इन सच्चे वे कि वो कहता है कि वो सब कुछ इसको डेविल ले जाए, जो भी ये कार्ट है हॉर्स है जो भी है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो यहाँ पे समनर क्या कहता है कि उसको अर्ज करता है फाइंस को कि मतलब जो शैतान होता है, शैतान को कहता है कि जब इसने कह दिया है तो तुम सब कुछ कर सकते हो, मतलब ले जा सकते हो इसको हेल में लेके जा सकते हो। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ क्लियर की जाती है कि बिकॉज द कर्स वॉज नॉट अटर्ड फ्रॉम द हार्ट एंड इन सिंसियरिटी ही हैज़ नो पावर टू डू सो, कि उसने सिर्फ ये चीज़ जैसे हम गुस्से में कह देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सिंसियरिटी से कहा है या फिर बाई हार्ट कहा है वो चीज़ फ्रॉम द हार्ट, कि मतलब दिल से वो बात थोड़ी कही उसने, गुस्से में कहा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जब वो आगे जाते हैं और फाइनली वो ओल्ड वुमेन के पास में पहुंचते हैं और वो ऑफर्स टू एक्सेप्ट द ब्राइब एज अ पेमेंट टू प्रिवेंट हर एक्सकम्युनिकेशन, जो उसने बहिष्कार किया था और जो पहले नहीं दिया था उसने पेमेंट, तो वो एज अ ब्राइब वो लेने के लिए आता है समनर उस ओल्ड वुमेन के पास में। तो वो वहाँ पे डिमांड करता है कि जो तुम्हारे ओल्ड डेब्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए तुम अपना फ्राइंग पैन भी दे दो। इस तरीके से मतलब वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से क्लेम कर रहा था यहाँ पे। साथ में ये भी कह रहा था कि ही पेड ए फाइन टू गेट हर ऑफ ए चार्ज ऑफ अडल्ट्री का भी चार्ज लगाता है उस पर, कि मतलब इनसे फिर छुटकारा पाने के लिए तुम हमें कुछ पैसा दे दो तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन वो ओल्ड वुमेन को पता था कि उसने कोई पाप नहीं किया है और वो उसको उल्टा श्राप देती है, मतलब उसको कर्स करती है कि अगर तुम रिपेंट नहीं करोगे, प्रायश्चित नहीं करोगे, तो भगवान करे तुम्हारी जो बॉडी है, सॉल है, ये फ्राइंग पैन है, एवरीथिंग डेमन ले जाए, मतलब हेल में जाओ तुम। तो यहाँ पे जो इस तरीके से ये बात है ना, यहाँ पे जो समनर के साथ में जो योमैन था वो सुन रहा था, और यहाँ पे जो ओल्ड वुमेन जो बोल रही थी वो भी दिल से बोल रही थी, तो दिल से बोल रही थी तो अब वो चीज़ स्वीकार होगी। और इस तरीके से सारा बॉडी सॉल फ्राइंग पैन जो भी था वो सारे चीज़ें हेल में ले जाई जाती हैं, और इस तरीके से मतलब जो समनर की सॉल है वो भी हेल में पहुँच जाती है। तो मतलब ट्रेजिक एंड होता है समनर का। तो फ्रायर है वो इस तरीके से टेल को ख़त्म करता है और ये भी कहता है कि होपिंग दैट समनर्स कैन समबडी सम डे रिपेंट एंड बिकम गुड मैन, कि कभी किसी दिन तो रिपेंट करेंगे। जब ओल्ड वुमेन ने कहा था तब उसने रिपेंट नहीं किया था तो उसकी सॉल हेल में पहुंच गई, लेकिन किसी दिन ये समनर्स जो हैं ये अच्छा काम करेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट द समनर्स टेल, मीन्स फ्रायर्स टेल अबाउट समनर। होप यू लाइक इट। If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel and put your views and suggestion in comment box.